दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आप देख रहे हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, वो चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या कभी कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, एक क्वेश्चन आती है उनके दिमाग में कि क्या एक पाइथन लैंग्वेज एक सीखना इजी है या डिफिकल्ट है। तो उसी के लेके मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या पाइथन लैंग्वेज एक रियली एक फ्रेशर के लिए या जो अदर टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं उसके लिए इजी है या डिफिकल्ट है सीखना के लिए। तो उसी को टॉपिक को लेकर मैं इस वीडियो में कंप्लीट बात करूँगा। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। मैं ऑलरेडी डेटा साइंस का और पाइथन का और एसक्यूएल का मैं ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप सैटरडे संडे मंडे टू फ्राइडे जुड़िए और पाइथन एंड लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे। सो बेसिकली एक पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप बोल सकते हैं एक यदि आप कंपेयर करेंगे किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, यदि आप नॉन टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल में वर्क कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, फ्रेशर मीन्स पाइथन में फ्रेशर हैं, या यदि आप रिसेंटली कॉलेज पास आउट है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ही बोल सकते हैं कि एज ए कंपेयर ऑफ द जावा और द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इजी सीखना होता है पाइथन। पाइथन से आप इजीली पाइथन को आप इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक बोल सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें वन लाइन का कोड बहुत ही ज़्यादा लिखा जाता है। ये एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एसक्यूएल में, तो डेटा टाइप असाइन करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो उसमें वही डेटा टाइप को आप कर सकते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। सपोज आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसमें इंटीजर वैल्यू पास किए, तो इंटीजर हो गया डेटा टाइप। बट आप नेक्स्ट स्टेप में आप फ्लोट पास किए या कैरेक्टर पास किए, तो डेटा टाइप डायनेमिकली चेंज होते रहता है। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार डेटा टाइप क्रिएट कर देते हैं तो उसमें दूसरे टाइप को, डेटा टाइप को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली एक पाइथन एक बहुत ही यूजर डिफाइंड फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सेकंड बेनिफिट पाइथन का है कि पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा इसमें पैकेज सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, जिससे हम लोग लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ ऑपरेशन, लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विदाउट राइटिंग टू मच ऑफ द कोड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लाइब्रेरी का नाम बताता हूँ, जैसे कि पैकेज है जो कि पांडा है, नंपा है, स्किटलन है, मैटप्लॉटलिब है, या सीबॉर्न है। ये सारे लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, जो इस लाइब्रेरी को यूज करके हम लोग बहुत सारे फंक्शनैलिटी वर्क कर सकते हैं। जैसे डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए पांडा, अभी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि अपना करियर प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हैं और आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही पाइथन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए। आप बोल सकते हैं जी जान से आप 1 महीने या 2 महीने आप बहुत ही हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, तो आप इजीली जॉब पाइथन में पा सकते हैं। और पाइथन में जॉब की बहुत भरमार है। आप naukri.com में जाके एग्जाम्पल के तौर पे सर्च भी कर सकते हैं कि कितने जॉब अवेलेबल है एज ए पाइथन डेवलपर का, क्योंकि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर एक फील्ड में वर्क हो रहा है। जैसे आप डेवलपमेंट फील्ड में भी होता है, स्क्रिप्टिंग फील्ड में भी वो यूज हो रहा है, एनालिटिकल फील्ड में यूज हो रहा है, डेटा साइंस में तो यूज हो ही रहा है। तो बेसिकली बहुत ही डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आप अभी देख भी रहे होंगे पाइथन का आप न्यूज में या अपने दोस्तों से कि कितना डिमांडेबल, जहाँ पे भी आप सुन रहे होंगे कि पाइथन पाइथन पाइथन, डेटा साइंस पाइथन, क्योंकि अभी मार्केट अपने अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है और पाइथन उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल चुका है। इसीलिए पाइथन का यूज करना एक बोल सकते हैं मजबूरी बन गई है बहुत सारी कंपनी को। और एक बहुत ही
कम कॉस्ट की होती है, और डेवलपर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और पाइथन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये ओपन सोर्स है, इसको चार्जेबल नहीं है, बट कंपनी लोग यूज करते हैं पेड वर्जन, बट ये काफ़ी सपोर्टेबल होता है और एज ए कंपेयर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही लेस प्राइस में अवेलेबल होता है पाइथन। तो इन द रिजल्ट पाइथन एक इजी बोल सकते हैं कंपेयर करने से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उतना भी इजी नहीं है कि बहुत सी कम मेहनत से आप सीख सकते हैं, बट हाँ आप सीख सकते हैं मेहनत करेंगे तो। तो बेसिकली यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस है, मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारे रिसोर्सेस बताता हूँ भी डे बाय डे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, वी ग्रेट।